तो हम लोग समझ गए। दंड मतलब और ये कोई भी बात बची रहती हो, पर जब मुट्ठी बांधे हो तो मतलब हम एक मील से रहते हैं, हाइड कर सकते हैं, पर जब ये पांचों उंगली हमारे बिखर जाते हैं तो कहीं का नहीं रहते। तो काम दाम दंड भेद का मतलब समझ रहे हैं ना, हम आज तक नहीं समझ पाए इतने सालों में, कुछ भी बोलते ना विचित्र हो जाता। तो ये काम दाम दंड भेद ये इसका मतलब समझा रही हूँ। काम काम मतलब होता है कि हम किसी को प्यार से काम करा सकते हैं। ओके। अगर वो फिर भी ना माने तो दाम दाम मतलब उसको हम पैसे से खरीदना चाहते हैं। दाम से भी ना माने तो दंड, मतलब उसको सजा देके भी उसको बात माना सकते हैं। दंड से भी ना माने तो भेद, उसका दिल का बात को जानो, अगर किस लिए नहीं माना, क्यों नहीं जा रहा है, तो ये है काम दाम दंड भेद। जब सब नहीं करे उसको छोड़ो। तो ऐसे ही है भाई, हमें तो आज तक नहीं समझ में आया कि क्या बताना चाह रही है, क्या समझा। आप लोगों को समझ आया तो आप लोग कमेंट्स करिएगा। हमें तो नहीं आज तक समझ में आता ही, कुछ भी बोलती है, कुछ भी बात बोलती है वो उल्टा बोलती है। इसका मतलब दो बातें हैं। काम दंड भेद का तो मतलब गाइस आप लोग भी समझ गए होंगे। काम मतलब काम से मतलब रखो, दाम मतलब है। ठीक है, वो तो हम लोग समझ गए। दंड मतलब और ये कोई भी बात बोलेगी ना तो वो अपना तो बाउंसर जाता है। ये इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी दिल्ली रहेगी और बातों बातों में मुंबई चला जाती है और कुछ पता नहीं चलता, बाद में खुद सोचती है। इतने सालों से इस मतलब ये क्या बताना चाह रही हूँ वो भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, पर हाँ ये अपने तरफ से पूरा कोशिश करती है तो इसको हम लोग उठा के लाए थे। नहीं, मैं बता रही हूँ कि पांच उंगली जो है, अगर हम एक साथ मुट्ठी बनाऊंगी देखता होंगे हमारी, अगर हमारी ये पांच मुट्ठी खुल गए तो हम बिछड़ गए। तो गाइस आपने देखा हर बार अलग अलग एक एक लकड़ी आप उठा के रखो और सारे लकड़ी को एक साथ इस तरह से ज्वाइंट करो तो एक मुट्ठी हो जाएगा। आप उसको तोड़ोगे गाइस नहीं टूटेगा, और वही मुट्ठी को आप खोल दो एक डंडा आराम से टूट। बताइए आज से पहले हम लोग ये चीज ये बात पता तो नहीं था। इसका मतलब है कि हमें एकता बना के रखना है, फैमिली जॉइंट बना के, जॉइंट फैमिली में एकदम मिल किस तरह से रहना है। अगर हम जॉइंट ना रहे तो हम बिखर जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम ये बताना चाह रही है कि यूनिटी में ताकत होता है, एकता में ताकत होता है, जो काम हम लोग अकेले नहीं कर सकते हैं तो हम लोग मिल के करेंगे, है ना। तो वो तो ये बात हो गया, पर काम दाम दंड भेद वो अलग चीज था, तो ये ऐसे ही है। अभी कहीं अभी फिर और कहीं पहुंचेंगे। अभी और कुछ है आपके पास? ये मजाक कैसे उड़ाएंगे। अभी अभी हम लोग दिवाली में ना दिया लेने के लिए गए थे तो इतना मजा आएगा ना। एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा सा खोए रहती है कहीं पड़ी, तो दिया वाला मेरे से ये कह रहा था कि 10 रुपए का 10 दिया, तो मैंने बोला कि 10 का 12 कर दो यार एक दर्जन। तो ये बोले कि भैया आपका तो बहुत महंगा है, हमारे समय पे 1990s में तो 1 रुपया का 1 दिया मिलता था। तो वो बोला कि कोई बात नहीं मैम, आप 1 रुपया का 1 ही दिया ले लीजिए। आप समझ चुके होंगे ये मतलब ऐसे सीधा लोग है या पता नहीं कहाँ खो रही। मतलब इसके जमाने में 1 रुपए का 1 दिया मिलता था और आज 10 दिया मिलता था हमारे जमाने में। मैं वो गलत बोलती। अच्छा, तो ये बोलना ये चाह रही थी कि हमारे समय पे 1 रुपया का 1 दर्जन मिलता था वो 10-15 साल पीछे, लेकिन इसके मुंह से निकल गया कि भैया आप तो बहुत महंगा बेच रहे हैं, 1990s में हम लोगों को जो मिलता था वो 1 रुपए में 1 दिया। तो वो सोचा कि भाई फिर तो हम आज बहुत सस्ता बेच रहे हैं। तो ये कहानी है। चलिए, ओके, बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आज ये इसका नाम क्या रखे हम लोग, पगलेट वाइफ? नहीं, इसके नाम है आई लव यू।
ऑनेस्टी रख देते हैं, इसका नाम है ऑनेस्टी। मेरा टाइम ऐसे ही पास हो जाता है, और जब ये फायर होती है तब और मजा आता है। किसी दिन जब ये फायर होगी तो भी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, थैंक यू यहाँ तक वाच करने के लिए। अगर आप लोग एक बात बताना चाहती हूँ, बताइए ना। वीडियो जैसे कि आदमी को गुस्सा क्यों आता है, जब हम एक इंसान में क्रोध में उसको हम बूंद 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 अपने अंदर दर्द को भरते हैं, लेकिन वो तो बूम। अच्छा, तो मान लो एक घड़ा का पानी है और उसमें आप घड़ा खाली रख दो और उसमें रोज बूंद बूंद पानी भरो तो घड़ा एक ना एक दिन भर जाएगा, भरते भरते ऊपर तक पानी आ जाएगा, घूम सकता। उस तरह इंसान का दिल दिमाग होता है, घूम सकता। समझ गए ना, आज तक हम लोग को ये बात नहीं पता था। अब जब ये शिक्षा दे रही है तो आप लोग इसको हाँ, तो आपको ना देखना है ये चीज कि आप बूम मत होने दीजिए अपने वाइफ को, क्योंकि इसने बता दी ना कि चलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और ये मतलब एकदम नॉर्मल फैमिली लाइफ है हम लोगों का। इसको पागल नहीं, औरत लोग को कभी पागल नहीं बना सकते, जेंट्स लोग ही पागल हो जाएगा पर औरत लोग नहीं। तो चलिए गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और एकदम ये नॉर्मल लाइफ बता रहे हैं, ये हर लोगों का साथ होता है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल है ये वीडियो। और एकदम ऐसे ही ये बात भी करती है नॉर्मल, मतलब ऐसा नहीं कि कोई स्क्रिप्टेड है, ये ऐसे ही रहती है हमेशा। चलिए, थैंक यू सो मच।